दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र का 1101% रियल वाला पेपर। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर सेट सी को अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम यहाँ पर रसायन शास्त्र के करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा जो आपने यहाँ पर कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, ठीक है। और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में कितने 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है यहाँ पर देख लीजिएगा, 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर देख लीजिएगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंवला 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया, पी कक्षकों के प्रकार है। जो हमारे पी कक्षकों के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कि एस, उसके बाद यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सा वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा तीसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो किसकी संख्या समान होती है, तो यहाँ पर बावला प्रोटॉन की, किसकी होती है, प्रोटॉन की होती है। और यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो यहाँ पर कितने आवर्त होते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बावला 7 हो जाएंगे। और यहाँ पर पांचवा सही विकल्प दिया हमारा, हेलोजन किस वर्ग के तत्व है। जो हमारे हेलोजन होते हैं वो किस वर्ग के तत्व होते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। इसमें हमारा सा वाला 17 हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चेट का सही विकल्प दिया, पी बी समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है। पी बी समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा यहाँ पर बंध का निर्माण होता है, इसमें आपका हो जाएगा पाईबंध। कौन सा बंध, पाईबंध हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लिया, इसमें आपको खालतन की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहले खालतन का आंसर लगा लीजिएगा, MMM किसके बराबर होता है, तो 0.001 के बराबर होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिया, दूसरा हमारा दिया है 10^-6 गुणक को खालतन कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प दिया है, सॉरी खालतन दिया है, परमाणु निर्माण को खालतन संकेत से दर्शाते हैं। तो कौन से संकेत दर्शाते हैं, या तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, चौथा पांचवा छठा, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया, इसमें आपको सत्य और असत बताना है। तो यहाँ पर सत्य और असत के आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ देख कर अच्छे से अपना मिलान कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करना है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन 5 का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 दिया है, इसमें आपको क्या है, स्थिर अनुपात का नियम लिखना है। इसके साथ ही इसका आठवां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, सातवां क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, 8वां, 9वां, 10वां, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 11वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, 12वें क्वेश्चन देखिएगा, 12वें का 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों आपको समझ समझ के इनके आंसर याद करना है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री बेवफा होती है। रात को रटना है आपको, दिन में आपको सफा हो जाती है, ठीक है। आप सभी ने डायलॉग पढ़ा होगा, अब मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से और बहुत मजबूती से इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर निकाल सके। तो पहले में आपको हो जाएगा 3, ठीक है, जैसे हमने आपको बता दिया था। दूसरे में आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा तीसरा दिया है, तीसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएगा। चौथे में आपका हो जाएगा 7, उसके साथ ही यहाँ पर पाँचवें में आपका हो जाएगा 17, और छठे में आपका हो जाएगा पाईबंध हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर खालतन के आंसर लगा लीजिएगा, खालतन में आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.01 हो जाएगा, और दूसरे में आपका हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर माइक्रो कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ ही जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, परमाणु द्रव्यमान को खालतन से व्यक्त कहते हैं, यहाँ पर संकेत यहाँ हमारा यू है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर चौथा दिया है, चौथे में आपको लिखना समूह 17 लिखना है, और पांचवें आपको लिखना द्विसंयोजक आबंध होता है, ठीक है, आपको लिखना होगा। और छठे में आपको लिखना है यहाँ पर रेखी लिखना है, और सत्य असत का आंसर लगा लेगा। पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, चौथा हो जाएगा आपका असत्य, पांचवा हो जाएगा आपका असत्य, और छठा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही जुट का मिलान कर लीजिएगा, जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो पिछली वीडियो है उसमें हमने सही जुट का मिलान नहीं बताया था, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमने नहीं बताए थे, तो इनका आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारे सही जुट का मिलान हो जाएगा, अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक शब्द का एक वाक्य का अंतर लगा लीजिएगा, अंतर मतलब सॉरी आंसर लगा लीजिएगा।
और जैसे कि हमारा पहला आपका दिया है मौलता की परिवेश आपको लिखना है, दूसरा आपका दिया है रेडियो तरंग की परिवेश आपको लिखना है, सॉरी इसमें आपको उच्चतम तरंग देने वाले विकिरण का आपको लिखना है, तो इसमें आपको रेडियो तरंग हो जाएगी। और यहाँ पर तीसरे में आपको विस्फर सिद्धांत का पूरा नाम लिखना है, संयोगता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। क्या करना है? संयोगता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है। और चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना आर सी डब्ल्यू एच, या फिर इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं आर और सी, उसके बाद कोष्ठक के अंदर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, उसके बाद बाहर हमारा ओ एच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पांचवा देख लिया, पांचवें आपको हाइड्रोजन लगाना है, और छठे का आंसर लगा लीजिएगा, छठे में आपका स्टीयरन अनुपात का नियम लिखना है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको आयरन एंथैल्पी की परिभाषा लिखना है, वो आठवें का आंसर आपको दिया है, जिसमें निम्नलिखित तत्वों के बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर आपको क्रमबद्ध लिखना है, ठीक है। तीन का आंसर आपको दिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा इसका और वाला आंसर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका और वाला आंसर हमने नहीं निकाला है, सॉरी। और यहाँ पर नौवे क्वेश्चन का आंसर देख लिया, नौवे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये हमारा दसवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जल्दी से लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से आपको लाइक कर देना है, मतलब ठोकना मतलब लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इनके आगे का आंसर आपको सेव कर लेना है, क्योंकि आप बुद्धिमान इंसान है, तो इनके आगे का आंसर आपको स्वयं कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर मोटिवेशन थोड़ा सा मिलते रहे आपकी वजह से, तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।